बढ़िया है। कैंपेन के बाद भी आपका हार हुई, तो इसको आप कैसे देखते हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या था? देखिए, चुनाव में कोई हारेगा कोई जीतेगा वो तय बात है, और हम समझते हैं कि ये हम लोगों के लिए हारने का वक्त है। हारने का वक्त इसलिए है कि असल में अगर ईमानदारी से स्वीकार करें तो हम लोगों की गलतियों का नतीजा है कि देश में आज भाजपा और आरएसएस की सरकार है, ये एक बात मानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अपना काम ठीक से नहीं किए जो हमको करना था, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे खिलाफ ताकते हैं उन फोर्सेस को पावर में आने का मौका मिला है। और आप ये समझ लीजिए कि इंडियन डेमोक्रेसी में एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। लाइक कि अगर आप पूरी दुनिया में ही आज के डेट में जो राइट रिएक्शनरी फोर्सेस पावर में आई है उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा ना कि ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जिस पे आज राइट रिएक्शनरी फोर्सेस ऑपरेट कर रही है, ये पैदा कैसे हुआ? तो ये तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ पैदा हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है दुनिया में कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ, और भारत जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी बनी, और उसी कॉलोनियल जो रिजीम था उसके खिलाफ हिंदुस्तान में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो वो जो राइट रिएक्शनरी नेशनलिस्ट फोर्स थी उसको पावर नहीं मिला। पावर इस देश में प्रोग्रेसिव, लिबरल, सोशलिस्ट, लेफ्टिस्ट इन लोगों को मिला, और इन लोगों का जो रिजीम रहा इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, लेकिन उसमें जो एक गड़बड़ी हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सेकुलरिज्म लिख दिया है, सेकुलरिज्म के प्रति लोगों को एजुकेट नहीं किया, जो इंस्टीट्यूशंस थे उसका सेकुलराइजेशन नहीं हुआ, और जो राइट रिएक्शनरी फोर्सेस थी वो बड़ी चालाकी से एंटी कांग्रेसिज्म के दौर में जो कांग्रेस के खिलाफ जो मूवमेंट खड़ा हुआ उसके भीतर भेष बदल करके घुस करके पावर में आए। और मैं एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि जब एंटी कांग्रेसिज्म का दौर था तो जो लोग आज बीजेपी से लड़ रहे हैं सब के सब कभी ना कभी बीजेपी के साथ अलायंस किए थे, बीजेपी के साथ जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पावर में थे। तो उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इनका असली उद्देश्य क्या है, और ये बहुत चालाकी से ये क्या करना चाहते हैं, आरएसएस बीजेपी देश में क्या करना चाहती है, इस पे लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया, लोगों को कंसंट्रेट नहीं करने दिया। उल्टे जो लोग आज बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं इनके जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसको एनाडॉट्स में फंसा दिया है। जैसे नेहरू को हर कोई जानता है, दीनदयाल उपाध्याय को कोई नहीं जानता है। तो ये सोचे कि दीनदयाल उपाध्याय को घर घर पहुंचाने से ज़्यादा आसान है नेहरू के खिलाफ झूठ को घर घर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि नेहरू ऑलरेडी घर घर पहुंचे हुए हैं। तो नेहरू के खिलाफ घर घर पहुंचा देंगे चीज़ों को, और नेहरू के साथ जो बाकी लोग हैं उनको अपना लेंगे। गांधी की हत्या में इन लोगों का नाम आया, ये लोग जो है नाथुराम गोडसे की पूजा करते हैं, आज गांधी के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो पार्टी बनाई ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, वो एक लेफ्ट पार्टी है, तो सुभाष चंद्र बोस की पार्टी को देशद्रोही, और सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगा करके अपने ऑफिस में ये बन गए देशभक्त। उसके बाद पटेल जी आरएसएस के ऊपर बैन लगाए, पटेल की जो है मूर्ति बना करके जो है ये आरएसएस वाले जो है पटेल को अपना लिए। इनके पास ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई हिस्टोरिकल फिगर है, और ना इनका कोई कंट्रीब्यूशन है। तो ये क्या करना चाहते हैं ये लोगों को नहीं बताते हैं। इनका जो एजेंडा है उसको ये हिडन रखते हैं, और अपोजिशन के ऊपर ऑनर्स हमेशा डालते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
2014 में जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे तो ये थोड़ी कहे थे कि वो राम मंदिर बनाएंगे या 370 हटाएंगे या तीन तलाक के खिलाफ कानून लेकर के आएंगे। नहीं, वो बोले कि डेवलपमेंट लाएंगे, गुजरात मॉडल के तर्ज पे अच्छी सड़कें बनेंगी, लोगों को घर घर बिजली पहुंचेगा, काला धन वापस लाया जाएगा, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। फिर बाद में पलट गया। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम जो लेफ़्ट लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेस को करना था वो नहीं किए। तो स्वाभाविक रूप से जब हम हारने वाले किनारे पे खड़े हैं तो हार तय है। इनफैक्ट आप ये मान लीजिए कि संख्या बल के हिसाब से अगर हम चुनाव जीत भी जाते तब भी लड़ाई तो नहीं जीती जाती। पूरे देश में तो हम जीतते नहीं, पूरे देश में हम इसलिए नहीं जीतते क्योंकि 2014 की हार के बाद भी जो अपने आप को अपोजिशन आइडेंटिफाई करते हैं उनको ये समझ में ही नहीं आया कि ये लड़ाई कौन सी है। ये लड़ाई आज के डेट में इस बात की है कि लोगों को पता चले कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू के मंत्रिमंडल में थे तो नेहरू की सरकार जो भी कर रही थी अगर उसका क्रेडिट नेहरू को, डिसक्रेडिट नेहरू को, तो उसका क्रेडिट और डिसक्रेडिट जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जाएगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि जो नेशन बिल्डिंग हुआ 1947 में ये किसी चीज़ को नहीं माने, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना क्योंकि ये चाहते हैं कि मनुस्मृति का राज स्थापित हो। इनके लिए विधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के द्वारा तैयार की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये विधान मनुस्मृति को मानते हैं। और मनुस्मृति में जो बातें लिखी हुई हैं उसको अगर आज के डेट में चाहे महिला को पढ़ा दीजिए, चाहे दलित को पढ़ा दीजिए, चाहे पिछड़ों को पढ़ा दीजिए, इवन जातीय जो सोपान है, जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था है, जो उसकी जो हायरार्की है, तो किसी भी इंसान को पढ़ा दीजिए जो उस हायरार्की में नीचे है वो उसको पसंद नहीं करेगा। पॉइंट नंबर टू, ये कभी झंडा नहीं माने, खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी अपने बंगले पे झंडा नहीं फहराए, आरएसएस के ऑफिस पे कभी झंडा नहीं फहराया गया, बकायदा जो है उसके पत्र पत्रिकाओं में ये लेख आते रहे कि तीन रंग भारत के लिए शुभ नहीं है क्योंकि हमारे तिरंगे में तीन रंग है, तीन रंग को ये शुभ नहीं मानते। और आज जब ये फुल फ्लेज्ड पावर में आ गए उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, तो आज वो उन्हीं चीज़ों को लागू कर रहे हैं। चुनाव जब हम लड़ रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव का जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है वो ये है कि लोग जानना चाहते हैं, लोगों के पास लोग पहुंचे ही नहीं जिनको पहुंचना चाहिए था। जब लेफ्ट लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेस सत्ता में आई तो उसका डी जनरेशन हुआ, पहली दूसरी पीढ़ी ठीक से काम की, तीसरी पीढ़ी जो थी वो पूरी तरीके से डी जनरेट हो गई। और उसके डी जनरेशन का नतीजा ये हुआ कि वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी से कट गए, तो जो अपोजिट आइडियोलॉजी थी उसको अपने आप एक वैक्यूम मिला और उस वैक्यूम को भरने का आज भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। मेयर इलेक्शन जो है वो उस वैक्यूम को नहीं भरेगा। पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और चुनाव का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा ये रहा कि सुदूर गांव देहात में भी लोग उन सवालों के साथ अपने आप को इंगेज करना चाह रहे थे जो लोगों के असली सवाल हैं। जैसे बाकी तो हिंदू मुसलमान हो रहा था चुनाव में, लेकिन उस बीच में जो हम अस्पताल की बात कर रहे थे उस पर लोग कह रहे थे नहीं ये बात तो ठीक है, अच्छा अस्पताल तो होना चाहिए, अच्छा स्कूल तो होना चाहिए, अच्छा कॉलेज तो होना चाहिए। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही रहा कि अगर आप पॉजिटिवली लोगों के बीच में जा कर के रेगुलर काम करेंगे चुनाव के हार जीत को छोड़कर, हारना जीतना भी चलता रहेगा। और आप देख लीजिए कि बीजेपी की भी तो कभी क्या स्थिति थी इस देश में, दो लोग जीतते थे, दो सांसद थे, फिर 80, फिर 180, फिर 283 और आज जो है 300 से ज़्यादा सीट है। तो ये जो निराशा का दौर है वो निराशा इसलिए है कि लोग अपने अपनी जगह पे अभी भी बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। जैसे चुनाव में जाते थे या चुनाव में जाते हैं
वैसे ही 12 महीने जाने की ज़रूरत है, लगातार जाने की ज़रूरत है। दूसरा एक्सपीरियंस ये रहा कि रिसोर्स पे लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि रिसोर्स कहाँ से आएगा, रिसोर्स कहाँ से आएगा। मुझे तो रिसोर्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ। जनता की लड़ाई यदि जनता के लिए लड़ा जाए, खुद कैरियर बनाने का अगर उद्देश्य नहीं है, खुद कैरियर बनाने का उद्देश्य है तब तो खरीद बिक्री होगी, एक हाथ नोट दो दूसरे हाथ वोट लो। अगर ये बल लड़ाई नहीं है, ये अगर जन आंदोलन का हिस्सा है, अगर आप समझते हैं कि इस देश में जो अभी चुप्पी है वो आने वाले भयानक तूफान का संकेत है, और आप बतौर सजग नागरिक उसमें इंटरवीन करना चाहते हैं, तो चुनाव आपके लिए कैरियर नहीं है। और जब कैरियर नहीं है तो वो जन आंदोलन कैसे बने, उसको बनाने में अगर आप कामयाब होते हैं तो रिसोर्स का प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मैं खुद चुनाव लड़ करके मैंने ये देखा है। ये बात सही है कि आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मसलन टीवी आप कहाँ से खरीद लेंगे, अखबार आप कहाँ से खरीद लेंगे, उसके बाद जो है चुनाव अधिकारियों को आप कहाँ से खरीदेंगे, हैं, और जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी तो एक जनप्रतिनिधि होता है, इसके अलावा भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आप कहाँ से खरीदेंगे। तो खरीद फरोख्त ही यदि करना है तो फिर चुनाव क्यों लड़ना है, फिर भाजपा के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ना है, फिर भाजपा में ही जा करके चुनाव लड़ा जाए। नहीं मूल बात तो यह है ना कि वो फिल्म है ना बैटमैन वाली, जिसमें वो कहता है, वो जो जोकर होता है, कि मैंने तुम्हारे सबसे काबिल आदमी को अपने जैसा बना दिया। तो वही अगर हम हो गए तो फिर लड़ाई किस बात की है। कैरियर ही बनाना है, वैसे ही अगर हराना है तब तो चुनाव जीत करके भी जो है वो बीजेपी हो जाएगा। देखिए आपके कर्नाटका में क्या हुआ, वो तो बीजेपी से तो चुनाव नहीं जीते थे, चुनाव तो कांग्रेस से जीते थे, लेकिन वो भाजपा में चले गए। फिर आप कहाँ कहाँ रोकेंगे, आप जो है लोगों का दिमाग हैक होने से रोकेंगे, हैं, कि आप जो है EBM हैक होने से रोकेंगे, कि जो है आप CM हैक होने से रोकेंगे, PM हैक होने से रोकेंगे। मसला अगर सिर्फ EBM का हो तो आप लड़ लेंगे, PayTM और ATM का क्या करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जनरल लोग जो होते हैं इसको समझिए, उनको तब तक यह बात नहीं समझ में आती है जब तक कि उनका अधिकार उनसे छीन ना लिया जाए। अभी चूंकि वोट देने के बदले नोट दिया जा रहा है तो ये बात समझ नहीं रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिना नोट दिए ही जो है उनका वोट ले लिया जाएगा, या वोट देने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो वोट का अधिकार सबको मिला, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, छोटा हो, बिहारी हो, कन्नडिगा हो, सबका वोट बराबर होगा। ये कितनी बड़ी चीज़ थी, ये जिस चीज़ से मिला है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, जिस प्रिंसिपल से मिला है, उसी के ऊपर अटैक है। तो सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस चुनाव का यही रहा कि लड़ाई की संभावना जो है इस देश में है, लोकतांत्रिक तरीके से, पार्लियामेंट्री तरीके से उसकी संभावना है। और बस जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं ना, कि हमको मान लीजिए कि 3.5 लाख वोट आया और जीतने वाले को 6 लाख वोट आया, तो उसको इस रूप में ना देखा जाए कि उनको हमसे 4 लाख वोट ज़्यादा आया, ये देखा जाए कि वो जो 2,70,000 लोग हमको वोट दिए हैं वो कौन हैं, कहाँ हैं, उनको ढूंढा जाए। और किसी भी दौर में मैं आपको बताता हूँ, सब लोग वोट पर नहीं उतरते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी सब लोग रोड पे नहीं उतरे थे। जीवन की मूल समस्या जो है वो है कि रोजी रोटी, घर द्वार, बाल बच्चा, शादी ब्याह, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसी में लगे रहते हैं, और उसको कोसने की भी ज़रूरत नहीं है, हम भी उसी में लगे रहना चाहते हैं। लेकिन वो काम ठीक से हो सके उसके लिए कुछ लोगों को रोड पर भी निकलना पड़ेगा। चुनाव लड़ कर के जो सबसे बड़ी चीज़ हुई, कि कहते हैं ना कि थोड़ा हमारे यहाँ एक कोलोकियल कहावत है, चमरी मोटी हो गई है थोड़ी, बीच बीच में जो है निराश जैसे हो जाते थे, लगता था कि पता नहीं ये लड़ाई कहाँ जाएगी। चुनाव लड़ने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही है कि आप चुनाव के आगे क्या उसको भी देख पाते हैं। जैसे
पहले क्या होता था कि चुनाव तक ही सोच पाते थे, अब चुनाव से आगे क्या वो भी देख पा रहे हैं, ये सबसे सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है। अभी बिहार के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या उसमें लड़ने की कोई कोशिश है आपकी? नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन अगर आप सामूहिक लड़ाई की बात करेंगे, कलेक्टिव बैटल और फाइट की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे साथ के कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे। हम जो है चुनाव को इस रूप में लेंगे कि हम एक विकल्प हैं और हमारी जो बात है वो एक राजनीतिक विकल्प है, एक विकल्प देने के लिहाज से कि लोकतंत्र कैसे आगे बढ़े और लोगों के वो वाजिब सवाल जो आज भुला दिए गए हैं वो चुनावी विमर्श का हिस्सा कैसे बने, उस पर कैसे जो है डिबेट हो, चौक चौराहों पर यदि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी चर्चा चल रही हो, तो उसमें ये भी हो कि हॉस्पिटल की बात क्यों नहीं हो रही है, एजुकेशन की बात क्यों नहीं हो रही है, जो मजदूर हैं उनके राइट्स की बात क्यों नहीं हो रही है, पर्यावरण की बात क्यों नहीं हो रही है। अब आने वाले समय में कि कई शहर इस देश के वो पानी के बिना हो जाएंगे, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। तो इस विकल्प के साथ हम होंगे चुनाव में और ये भी कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों पे जिनकी सहमति हो उनके साथ एक यूनाइटेड फ्रंट भी बने। लेकिन वही जो मैंने आपको कहा पहले सवाल के जवाब में कि चुनाव लड़ने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये हुआ है कि चुनाव के बाद क्या ये भी देख पाते हैं, तो एक जो सबसे नई बात पता चली है, यूनाइटेड फ्रंट सिर्फ चुनाव में नहीं बनेगा, चुनाव के पहले बनेगा और चुनाव के बाद भी रहेगा। चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो तब भी उसको रहना पड़ेगा, मतलब यूनाइटेड फ्रंट इलेक्शन में नहीं स्ट्रगल में बनाना पड़ेगा। मोर्चा जो बनाने का प्रयास है वो महज चुनावी तालमेल नहीं है, दो तुम्हारा दो हमारा मिला के चार कर लेते हैं ये नहीं, फिर दो तुम्हारा दो तुम हमारा मिला के जो चार करेंगे ना उसमें से दो निकल लेगा जिसको कहीं और इंटरेस्ट दिखेगा। तो एक कौन कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे, कॉमन फेथ, एक कॉमन बिलीफ, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके, एक कॉमन आइडियोलॉजी है। डिफरेंसेस तो होंगे, हम लोग डिफरेंसेस ज़्यादा ढूंढते हैं जबकि डिफरेंसेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को ध्यान से देखें तो डिफरेंस अपने आप नज़र आ जाएगा, लेकिन सिमिलरिटी क्या है इसको अगर एक्सपीरियंस करना है तो बात करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो उस आधार पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, एक जो है सिमिलरिटीज़ के आधार पे डिफरेंसेस को थोड़ा देर छोड़ करके चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी कि इस देश में लोगों के वाजिब सवालों पर राजनीति को एक नई दिशा कैसे दी जाए। इसी बात को जुड़कर मेरा एक सवाल था कि बहुत सारे प्रोग्रेसिव पीपल के बीच में डिफरेंसेस तो है, तो इस डिफरेंसेस के बावजूद भी हम कैसे एक कॉमन एक कन्वर्जिंग पॉइंट तो होना चाहिए, वो क्या होता है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है और कन्वर्जिंग पॉइंट्स क्या है और उसको तो एक्सप्लोर करना चाहिए ना, आपके हिसाब से क्या होता है? देखिए ये जो डिफरेंसेस है ना, इस डिफरेंसेस का अपना एक आधार है। पूरी दुनिया में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हैं, इंडिया में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन सबसे बुनियादी यूनिटी क्या है कि हम सब मनुष्य हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी नेचुरल क्लाइमिटी हो जिसमें इंसान का बचना मुश्किल हो जाए तो वो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करेगा या ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो जो इमीडिएट प्रॉब्लम है आज के समय में ह्यूमैनिटीज़ के सामने वो ये है कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो दरअसल ह्यूमैनिटी को ही अल्टीमेटली ख़त्म कर रहे हैं, और आइडिया ऑफ सिटीजनशिप जो है आज ख़तरे में है। मैं कई बार ये बात लोगों को कह रहा हूँ कि जिस तरीके से चक्र पूरा हुआ है, सर्किल कंप्लीट हुआ है, आज के समय में जो राइट रिएक्शनरी फोर्सेज इमर्ज की है दुनिया में, ये एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन के वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और सारा डिफरेंस जो बना है मॉडर्न टाइम पे, ठीक है, वो बेसिकली बना है रशियन रेवोल्यूशन के बाद।
राइट लेफ्ट सेंटर लिबरल प्रोग्रेसिव हैं, मैं कह रहा हूँ कि रशियन रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल और वैल्यूज की बात ही नहीं है, उसकी मॉरलिटी की बात ही नहीं है, ये सीधे तौर पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की मॉरलिटी के खिलाफ है। इसको आप समझ लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की मॉरलिटी है ना इक्वलिटी फ्रेटर्निटी लिबर्टी जस्टिस, ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मॉरलिटी है। आज पूरी दुनिया में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की मॉरलिटी के एथिक्स को रिवर्ट करना चाहते हैं, नहीं वी कांट बी इक्वल, हम इक्वल नहीं हो सकते। किस बात की फ्रेटर्निटी? वो चर्च जाता है हम मस्जिद जाते हैं, किस बात की फ्रेटर्निटी? वो मंदिर जाता है हम मस्जिद जाते हैं, किस बात की फ्रेटर्निटी? और किस बात की लिबर्टी? औरतें पैदा होती हैं, शोषण उनका होना चाहिए, यही बोल रहा है ना। पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अगर आप सिंथेसाइज करेंगे तो आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे ना। ये जो डिफरेंस आज के समय में हम रख करके चल रहे हैं ना, लिबरल प्रोग्रेसिव लेफ्ट रेडिकल लेफ्ट, ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है। हम आपस में लड़ने में इतने मशगूल रहे कि हमारा बुनियादी अधिकार ही हमसे छीन के ले गया है ये। और अब जो इनका अगला स्टेज है बेसिकली, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के सबसे वर्स्ट फेज में ये दुनिया को ले जाना चाहते हैं, सबसे वर्स्ट। वर्स्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ह्यूमन कैपेसिटी को एक तरफ रिड्यूस किया है एज ए ह्यूमन लेबर, दूसरे तरफ ह्यूमन पावर को दूसरी तरफ एक दूसरे एक्सट्रीम पे लेकर के गया है। एक आदमी बैठ करके पूरी दुनिया का सर्विलांस कर सकता है। तो आप बताइए कि जो सेंट्रलाइज्ड पावर है जिसको कहते हैं डिक्टेटोरियल पावर, वो कितना पावरफुल हो गया है। आज के समय में कोई गुरिल्ला वार पॉसिबल नहीं है। अगर कोई गुरिल्ला वार होगा भी तो उसका फील्ड जो है वो जंगल नहीं होगा, उसका फील्ड जो है वो इंटरनेट का जो है कोई जो है ऐसा वेव ढूंढना पड़ेगा जिसको आजकल वहाँ पे नेगेटिव फोर्सेस एक्टिव हैं जिसको हम डार्क वेव कहते हैं। वहाँ पे कोई प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्स तो नहीं है, वहाँ पे बहुत अजीब अजीब तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो लड़ाई कुछ और हो गई है, और इनका जो अपना क्राइसिस है प्रॉफिट का, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुस्तान मंदी में है, पूरी दुनिया मंदी में है। तो ये कहीं ना कहीं तो डाइवर्जन करेंगे ना लोगों को, ये करोड़ों करोड़ लोग को कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करेंगे ना। अगर ये फुल फ्लेज्ड वॉर में जाएंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। इनफैक्ट किसके पास है किसके पास नहीं है ये पता लगाना भी मुश्किल है। तो इसीलिए आज आप देखिए कि आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को डिस्ट्रॉय करके क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है हर जगह। और आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन को देख लीजिए, सीधे तौर पे आप देखेंगे कि पॉलिटिकल क्वेश्चन को साइडलाइन करके आइडेंटिटी को और कल्चरल क्वेश्चन को प्रोमिनेंटली रखा जा रहा है। इसीलिए आज के समय में जो बेसिक ह्यूमैनिटीज में बिलीव करने वाले लोग हैं ना, अपने डिफरेंसेस को उनको इमीडिएटली रिड्यूस करके एक लार्जर यूनिटी बनाने का प्रयास करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि ये होगा भी। मैं एक बात आपको आज बोल रहा हूँ, हो सकता है कि अभी यह बात लोगों को ठीक ना लगे, जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ आप देख रहे हैं ना, ये कोई नहीं बचने वाला है इंक्लूडिंग बीजेपी, क्योंकि ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं ना, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज में पैदा हुई हैं। आज जो हम लोग जिस दुनिया में धीरे धीरे इंटर करते जा रहे हैं, ये एक्चुअली पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज है। नई तरह की पॉलिटिकल पार्टी, नया तरह का कांग्रेस, नया तरह का लेफ्ट, नया तरह का राइट। राइट चूंकि हमसे ज़्यादा एडवांस हमको लग रहा है, क्योंकि कई जगह पे जो है इनको पावर में आने में वक्त लग गया, उसमें रशियन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर रशियन रेवोल्यूशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही नहीं हो गया होता, तो कैपिटलिज्म का जो यह रूप हम देख रहे हैं न्योलिबरलिज्म के बाद, यह और पहले आ गया होता। तो बीच में केन्स की थ्योरी को मानते हुए वेलफेयरिज्म को इनको एडॉप्ट करना पड़ा, मार्शल प्लान के तहत जो है बड़े पैमाने पे यूरोपीय देशों को पैसा दिया गया, और डेमोक्रेसी मन कहते हैं ना डेमोक्रेटिक होने का एक नाटक जो है करना पड़ा। तो एक
फेज जो है वो गुजरा, नहीं तो पावर में ये फोर्सेस पहले आ जाती सब मिल करके। आप सोचिए कि क्या यूनिटी रही होगी, एक तरफ स्टालिन और दूसरी तरफ जो है अमेरिका और इंग्लैंड, कैसे वो यूनिटी बनी होगी हिटलर और मुसोलिनी को हराने के लिए। तो अपने आप में तो ये बहुत एडवर्स यूनिटी थी ना, रसिया और अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोस्ती होना तो अपने आप में एक बहुत ही जो कहते हैं टू अपोजिट्स का यूनिटी हुआ था। उस वजह से जो है ये फेज थोड़ा लेट आया है। अब ये फेज जब आ गया है और सारे प्रयास जो हैं कैपिटलिज्म के द्वारा किए जा चुके हैं, खुद ही कहा कि जो है दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज होगी, तो दुनिया ग्लोबल विलेज होगी और अमेरिकन प्रोडक्ट लोग अगर बेंगलोर में पिएंगे तो बेंगलोर का आदमी भी न्यूयॉर्क में जा कर के काम करेगा। तो बताइए इमिग्रेशन पॉलिसी को क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्यों कह रहा है कि बाहरी लोगों को वहाँ से निकाल करके फेंका जाए। हर देश में जो राइट रिएक्शनरी फोर्स का आंदोलन है वो तो यही कह रहा है ना कि बाहरी को भगाओ, उसका तो यही आंदोलन चल रहा है। तो दुनिया एक नए फेज में जा रही है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। और उसका बुनियादी शर्त जो है यूनिटी का वो यही है कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हुए, ह्यूमन लाइफ को सबसे इम्पॉर्टेंट समझते हुए, आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को प्रोटेक्ट करते हुए, और अब तो अपने सर्वाइवल के लिए पर्यावरण के सवाल को भी प्रोमिनेंटली उठाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसमें हमको यूनाइट होने की ज़रूरत है। इट इज़ इनहेरेंट विद कैपिटलिस्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट, ये कोई नई बात नहीं है। ये कि जब आप मुझे भी प्रधानमंत्री बना देते ना तब भी ये क्राइसिस होता। एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्लीस्ट रिजाइम एंड देन प्रेजेंट वन? सी, इंडिया अडॉप्टेड न्यू लिबरल पॉलिसी आफ्टर 1991, देयर वॉज ए गोल्डन फेज एंड दैट टाइम मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर। देन दैट गोल्डन फेज हैज washed out and it has to. Now Narendra Modi is prime minister and he has to face this crisis. In fact, agar aap thoda sa history ko remind karenge to aapko pata chalega ki Manmohan Singh is desh mein neoliberal policy ke sabse bade advocacy karne wale rahe hain, aur isi aadhar pe jo hai wo vitt mantri se phir ek din jo hai pradhanmantri bane. No doubt he is intelligent and brilliant person. Aur beech mein आपके ही स्टेट के एक प्रधानमंत्री हुए थे HD देवगौड़ा, वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर रही थी, और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, उसके दो मंत्री थे, वो भी जो है न्यू लिबरल पॉलिसी को रिवर्ट नहीं कर पाए थे। मतलब कि इकोनॉमी की कुछ ज़रूरतें होती हैं जिसको आपको करना पड़ता है पहले की गलतियों को सुधारने के लिए। तो एक्चुअली सुधारने के लिए भी जो काम किया जा रहा था सुधारवाद के नाम पे, वो भी एक गलती ही थी। और उस गलती का नतीजा जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पंजाब और हरियाणा में कैंसर स्पेशल ट्रेन चलना शुरू हो गया और पता चलने लगा, वैसे ही अब बंगलोर को पता चल रहा है, हैं, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी यहाँ पे बनी, रेंटल इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन गए, ग्रीन बैंगलोर नहीं रहा, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन वो जो आउटसोर्स हो रहा था काम, जब वो काम बंद हो जाएगा, आउटसोर्सिंग जब बंद हो जाएगी, जब अमेरिका में एक ऐसा ऐप आएगा मोबाइल में जिससे हम ये देख लेंगे कि हमारी हड्डी कहाँ टूटी हुई है, तो बेंगलोर में बैठ करके जो रिपोर्ट बनाने का काम मिला था किसी कॉल सेंटर में, वो तो बंद हो जाएगा ना, जॉब का स्लो डाउन हो जाएगा ना। और टेक्नोलॉजी भी उसमें एक जो है रोल प्ले करेगी, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं सकता है। कोई कहे कि जो है रोजगार देने के लिए बैल बेरोजगार हो गए थे ट्रैक्टर के आने के बाद, इसलिए हम बैलगाड़ी चलाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, दुनिया तो आगे बढ़ेगी। तो ये जो क्राइसिस आज हम झेल रहे हैं बेसिकली, ये क्राइसिस को मनमोहन सिंह समझ गए थे, और मनमोहन सिंह जा करके झगड़ा किए इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, WTO, वर्ल्ड बैंक, वहाँ जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के इंटरेस्ट को लेकर के 22 मामले थे। मनमोहन सिंह के लीडरशिप में 19 मामलों को इंडिया जीत करके लाई कि आप हमसे न्यू लिबरलिज्म कराए, आपके कहने पे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के नाम पे हमने अपनी जो है बेसिक इकोनॉमी तबाह कर ली, किसानों को सब्सिडी देना बंद कर दिया, प्रोडक्शन यूनिट को सब्सिडी देना बंद कर दिया, और हम प्रोडक्ट
प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी से सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो, जो हम सर्विस देने का जो पैक्ट हुआ था वो पैक्ट आप बदल देंगे। इंडियन आदमी जो है न्यूयॉर्क आकर के आसानी से काम नहीं कर सकता है, आप जो है N1 वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। सो इट इज़ द वायलेशन ऑफ पैक्ट, न्यू लिबरल पैक्ट। सो ही फॉट, देन दिस कॉरपोरेट लॉबी आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम। नाउ मनमोहन सिंह कैन नॉट बी अ गुड पर्सन टू गो थ्रू विद दिस ऑल कॉरपोरेट लूटिंग प्रोग्राम। देन वॉट हैपेंड, दे ब्रिंग अन्ना हजारे। अब कोई नहीं पूछ रहा है कि अन्ना जी कहाँ गए हैं, उनकी टोपी कहाँ है, नोबडी इज आस्किंग। और ये जो अजीत डोभाल साहब हैं, इनका एक फाउंडेशन है, रिसर्च फाउंडेशन। अन्ना हजारे जी का सेमिनार कराया, अन्ना हजारे जी को कहा गया कि आप करप्शन के खिलाफ आंदोलन कीजिए। वो आंदोलन एक्चुअली करप्शन के खिलाफ नहीं था, वो आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था। और अन्ना इज द फर्स्ट पर्सन आफ्टर दलाल स्ट्रीट न्यूयॉर्क, पहले न्यूयॉर्क में लोगों ने कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, फिर अन्ना हजारे ने कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश को लगा कि विकास होगा, ठीक है, अन्ना भी नहीं दिख रहे हैं, विकास भी नहीं दिख रहा है, तो इकोनॉमी को तो ये क्राइसिस में आना था, इकोनॉमी ये क्राइसिस में आई है। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस पे आप बात तब करेंगे ना जब आप मेंटली स्टेबल हो पाएंगे। हैं, आप गए फेसबुक पे जो है अपने जो है कुत्ते के साथ फोटो पोस्ट किए, ठीक है, अब मान लीजिए आपका नाम मुसलमान जैसा हो तो नीचे से कहेगा कि तू वफादार के साथ फ़ोटो क्यों कर डाल रहा है, तू तो गद्दार है, मतलब कुत्ता वफादार है वो गद्दार है, तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, रोड पे निकलेंगे पता चलेगा कहीं मॉब लिंचिंग की घटना हो गई। इस तरह के इश्यूज आपके सराउंडिंग्स में क्रिएट कर दिया गया है कि आप बेसिक चीज़ों पर बात ही नहीं करेंगे। आप पूछेंगे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन क्यों है, तो वो पूछेगा कि बात 370 पे तुम्हारा पोजीशन क्या है। तो इकोनॉमी के साथ ये स्लो डाउन आना था। और ये भी याद रखिएगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन जब भी कहीं हुआ है मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कोई भी सिविलाइजेशन गुजरा है, मेजर वॉर से गुजरा है, इतिहास का एक्सपीरियंस हम लोगों को यही सिखाता है। अब ये टाइम है कि इकोनॉमी में जो गलती हुई है उसको करेक्ट किया जाए, और उस गलती को छुपाने के लिए पॉलिटिक्स में जो गलती पे गलती की जा रही है उसको रोका जाए, उसको बंद कराया जाए। अभी टू बी स्पेसिफिक, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, दैट्स व्हाई, टू बी स्पेसिफिक, यू कांट डिफरेंशिएट द बिटवीन टू रीजंस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड टू द दिस प्रेजेंट क्राइसिस। नो, आई कैन डिफरेंशिएट। हाउ? There are many things. There are multiple examples. First of all, this is oversimplification of economic matters. कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का इकोनॉमिक मैटर एक है। बीजेपी का वर्स्ट है, कांग्रेस का अच्छा नहीं है, तो बीजेपी का वर्स्ट है। एंड कॉन्क्रीटली आई एम टेलिंग यू, एक भी वेलफेयर प्रोग्राम मुझे बता दीजिए बीजेपी का, RTI, मनरेगा कोई भी, या राइट टू फूड भी लगभग पास होने वाले थे, राइट टू एजुकेशन एक भी नहीं है ना। तो कंप्लीट बीजेपी का डिपार्चर है वेलफेयरिज्म से। आप कहने को कह सकते हैं कि उज्ज्वला योजना, लेकिन उज्ज्वला योजना में एक्चुअली वी बिकेम कंज्यूमर, वी आर नॉट सिटीजन। हाउ वी बिकेम कंज्यूमर, तो हमसे ही वो किस्त पे पैसा वसूल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे पैसा ले रहे हैं, सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया है, उल्टे सरकार आपसे वसूल रही है। सो दैट इज़ नॉट वेलफेयर प्रोग्राम। इवन जितना भी ये इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रोग्राम है, किसी में भी सरकार जो है आपको एज ए सिटीजन कोई वेलफेयर बेनिफिट नहीं दे रही है, वो आपको बस कंज्यूमर बना रही है, आपके डेटा को यूज कर रही है और आपके डेटा को जो है कंपनियों के हाथ में बेच रही है। अब मुझे बताइए कि अगर किसानों को इंश्योरेंस का लाभ दिया गया है तो इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा कैसे हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल? स्किल इंडिया प्रोग्राम में आप जा करके देख लीजिए, आप स्किल इंडिया प्रोग्राम में इनरोल्ड करेंगे, एक महीने में जो है वो आपको सिखा देगा काम करने के लिए, 5 महीना आपसे फ्री लेबर कराएगा, देख लीजिए, खूब 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 एकदम जबरदस्त तरीके से स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। सो देयर इज ए क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी। ये हम लोगों को लंबे समय तक कन्फ्यूज करके रखा गया अपने पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन के लिए
या अपने पॉलिटिकल अलायंस को जस्टिफाई करने के लिए जो रीजनल पार्टी हैं उन लोगों ने जो है ये ओवर सिंप्लीफिकेशन किया, और समटाइम्स लेफ्ट ने भी ओवर सिंप्लीफिकेशन किया. इट शुड नॉट बी डन. अभी जॉब लॉसेस क्या हो रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं कि यूथ चिंतित नहीं है, तो इस समय में हम क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, यूथ चिंतित है. यूथ, ये कौन बोला कि यूथ चिंतित नहीं है? यूथ चिंतित है, उसकी चिंता को ना कहीं और डाइवर्ट कर दिया जा रहा है. लाइक कि आप सिंपल ये समझिए कि आपने क्वेश्चन किया कि GDP स्लो हो गई, ठीक है, तो यूथ को ये जवाब उसके मुंह में डाला जा रहा है. देखो 70 साल के प्रॉब्लम को, 370 को जब मोदी जी ने एक झटके में ख़त्म कर दिया, तो GDP क्या चीज़ है? ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, और उसकी एनर्जी को और उसके क्वेश्चन को और उसकी चिंता को डाइवर्ट करना है. ठीक है, दोनों दो मसला है, बिल्कुल दोनों दो बात है. जैसे इन्होंने 370 की समस्या को ठीक किया है अकॉर्डिंग टू देम, वैसे GDP तो नहीं ठीक हो रही है, वैसे तो नहीं ठीक होगी. पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में वगैरह जो आप बात करते हैं, जो इश्यूज आप रखते हैं, इसमें जो है पब्लिक बहुत साथ देती है आपका, लेकिन वही जब चुनाव का टाइम आता है तो क्यों पब्लिक का साथ आपको या फिर जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको नहीं मिलता? अच्छा एक बात बताइए, भारत पाकिस्तान, भारत और कीनिया का मैच हो रहा हो, ठीक है ना, तो कीनिया के समर्थन में आपको कितने झंडे दिखते हैं? बहुत कम है. कौन हारने वाले के साथ खड़ा होना चाहिए? लोग को दोष मत दीजिए, लोग दोषी नहीं. जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक बात है, तो आप बोल ही रहे हैं ना, बोल ही रहे हैं ना, वो इशू कहीं करके तो नहीं दिखा दिए हैं ना, कोई मॉडल तो नहीं है ना आपके पास, और जो मॉडल है उस मॉडल पे कई सवाल है, चाहे वो चाइना का मॉडल हो, चाहे वो रशिया का मॉडल हो, या बंगाल का मॉडल हो, उस पर बहुत क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? तो लोग दोषी नहीं हैं. आप अगर कोई मॉडल देने में सक्षम होंगे, ठीक है, तब आप एक बात बताइए, नेहरू तो हमसे ज़्यादा बड़े थे ना, हैं, वो तो एक मॉडल भी है, उन्होंने वो तो देश को कुछ दे करके गए हैं. इनफैक्ट ये सारे बेशरम नेता जो नेहरू को ज़िंदगी भर गाली देते हैं, मरते वक्त जो है एम्स पहुंच जाते हैं, हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको नेहरू बना के, तो या जो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है ना, ये सारी चीज़ें बनी, देश आगे बढ़ा, उस मॉडल को लोग देखने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारा मॉडल क्या देखेगा? हर चीज़ का ना एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, और उस टाइम के साथ जो है चीज़ें होती हैं, हैं? अब एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री देखना चाहिए, हिस्टोरिकल प्रोसेस को. जब गांधी आए थे अफ्रीका से भारत, तो जिन्ना नेता थे गांधी से बड़े, हैं, गांधी जब नेता होना शुरू किए तो जिन्ना विदेश चले गए, ठीक, गांधी को और जिन्ना को देखिए, गांधी जो है आपको लगेंगे कि धोती लपेटे हुए, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे, ईश्वर का भी नाम ले रहे हैं, अल्लाह का भी नाम ले रहे हैं. जिन्ना कभी मस्जिद नहीं जाते थे, नमाज भी नहीं पढ़ते थे, और जब देश आज़ाद हुआ और एक डिजाइन के तहत जिसमें ब्रिटिशर्स की भूमिका है, जिसमें इस देश की फंडामेंटलिस्ट और कम्युनल फोर्सेस की भूमिका है, जो पार्टीशन का बात हुआ, तो जिन्ना मौके पर मौजूद हो गए, और जो है इस्लामिक राष्ट्र, मुसलमानों का हित, इसको लेकर के जो है देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान के कायदे आजम बन गए. ये बात जो है जिन्ना पहले कहते 30 साल पहले, मानता कोई? इतिहास अपनी गति से चलती है, और उस गति में बतौर इंसान आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं. आपको ये तय करना है कि आप सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं कि नकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं. नकारात्मक भूमिका ये है कि इस खूबसूरत देश को कुछ लोग तबाह करने पे तुले हुए हैं, नाम वो धर्म का ले रहे हैं, करना उनको धंधा है, नाम जो है वो भक्ति का लेंगे, ठीक है ना, करना जो है उनको देश की तबाही है, झंडा वो देश का हाथ में उठा लेंगे लेकिन जो है वो देश को बर्बाद करेंगे. इसमें हम क्या करें? हम ये देखें कि लोग तो भाषण सुनते हैं, ताली बजाते हैं, YouTube पे बहुत व्यूज आता है, लेकिन वोट नहीं देते हैं. तो नहीं देते हैं तो फिर भोगना भी तो उन्हीं को है. ऐसा थोड़ी एक सिर्फ हम भोगेंगे या सिर्फ आप भोगेंगे, हमको अपनी भूमिका निभानी है.
और हमारी भूमिका जो है वो ये है कि हम किसी भी तरीके का विभाजन का, बंटवारा का, फंडामेंटलिज्म का, कम्युनलिज्म का, इस आइडेंटिटी का या उस आइडेंटिटी का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारतीयता और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। उस ट्रेडिशन के साथ हम खड़े होंगे जिसमें वो कहानी मैं बार बार दोहराता हूँ, जंगल में जब आग लगी तो कोयल जो है अपनी चोंच में पानी भर कर उसको बुझाने का प्रयास कर रहा था। सबको पता था कि उस चोंच की पानी से जो है आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब आग लगी है, धुआं जब उठा है, तो जो है उसका एक साइंटिफिक प्रक्रिया भी होगा, फिर आगे बारिश भी होगी, आग भी बुझेगी। तो आग बुझ ही जाएगी अपनी गति से, लेकिन पीढ़ी जब ये सवाल पूछेगी कि जब आग लगी तो आप क्या कर रहे थे, तो हम कहेंगे कि हम बुझाने का प्रयास कर रहे थे, हम इतना पे फोकस करते हैं। देखिए, इसके संबंध में मैं आपको एक बात बस कह देता हूँ, भारत की जो मौजूदा सरकार है इसका उद्देश्य किसी भी मसले का हल करना नहीं है, इसका उद्देश्य है कि कैसे जो है मसलों को फंसा दिया जाए, कैसे उलझा दिया जाए, क्योंकि कोई इसके डिटेल में जाने के लिए तैयार नहीं है। एक सिंपल सा सवाल मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में दक्षिण भारतीयों को क्यों पीटा गया और किस सेंटिमेंट के साथ पीटा गया, यही ना कि महाराष्ट्र मराठियों का है, नहीं बिहारियों और उत्तर प्रदेश वालों को तो अभी भी पीटा जा रहा है। एक बार आपके शहर की भी एक खबर है, एक रात जो है हल्ला हुआ और सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो ट्रेन पकड़ने लगे। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सेंटिमेंट बहुत डीप रूटेड होता है कि ये जगह, इस जगह में जो रहने वाले लोग हैं, पहला हक उनका है। जैसे बिहार सबसे पहले बिहारियों का है और कर्नाटक सबसे पहले कन्नड़िका का है, वैसे ही कश्मीर सबसे पहले कश्मीरियों का है। इसमें इतनी कोई समस्या तो है नहीं, सिंपल से इसको जोड़ करके देखिए। दूसरा, आप देश की यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो जब देश की यूनिटी की बात कर रहे हैं तो यूनाइट क्या होगा, सिर्फ ज़मीन एक होगा कि लोग भी एक होंगे? और लोगों को यदि एक करना है तो डरा करके एक करेंगे कि दोस्ती बना करके एक करेंगे? तीसरा, कि देश जो है वो देश के लोगों से बनता है, राज्य भी राज्य के लोगों से बनता है। लोगों को निकाल करके उसकी कोई पहचान तो बचती नहीं है, फिर तो वो पत्थर, पहाड़, नदी, झरना है। लोग होते हैं, उसकी संस्कृति होती है, उसका इतिहास होता है, उसकी सभ्यता होती है, इन तमाम चीज़ों को अपोजिट कर दिया गया है। और अपोजिट करके उसको इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे इससे देश का भला होगा। देश का भला कभी भी देशवासियों का नुकसान करके नहीं हो सकता है, देशवासियों का भला होगा तभी देश का भला होगा। सवाल यह है कि इस पर इतना फोकस क्यों किया गया है? फोकस इसलिए किया गया है, बाकी और कोई बात नहीं होगी, बाकी और कोई चर्चा नहीं होगी। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका कमज़ोर होना हमारे लिए चिंता की बात है, लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। आप एयर टाइम देखिए, कितने लोगों के मुद्दे हैं। मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग वैली में रहते हैं, वो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बाकी जो 134 करोड़ देश के दूसरे इलाकों में रह रहे हैं उसका सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है? उसके लिए कितना एयर टाइम दिया जा रहा है? इस संबंध में मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिस है, सिंपल, और इससे कोई मसला हल नहीं हो रहा है, क्योंकि मसला कभी भी ऐसे हल नहीं होता है। बंदूक दिखा करके कोई मसला आज तक हल नहीं हुआ है, कभी नहीं हल हुआ है। हर बार जो है ना, पहले दो देश आपस में लड़ लेते हैं, फिर संधि करते हैं, पहले जो है लड़ाई हो जाती है, फिर समझौता होता है। कभी भी समाधान जो है ना, वो लड़ाई से निकला ही नहीं, समझौते से ही समाधान निकलता है, और समझौता गया तो ये तरीका है। अभी हम देख रहे हैं कि एक मेजर सेक्टर का युवा राइटिस्ट के साथ जा रहा है,
तो इस समय में लेफ्ट आइडियोलॉजी का कुछ बदलाव होना चाहिए क्या? उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या वोकैबुलरी होना चाहिए? ये बाइनरी एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो आप बता रहे हैं। ये बाइनरी अब है ही नहीं, लेफ्ट और राइट की बाइनरी नहीं है। ओके, ये बात आप समझिए। एक्चुअली लेफ्ट और राइट की ये बाइनरी भी राइट ही खड़ा किया है। इसको समझिए आप। सिंपल आप मुझे बताइए कि जो फोर्स के बारे में वो टीवी पे आकर के बताते हैं कि ये ख़त्म हो गया है, तो ये बताने की क्या ज़रूरत है? इसको सिंपल समझिए। ये बात आकर के बार बार कहने की ज़रूरत है कि लेफ्ट ख़त्म हो गया है हर रात को 9 बजे? ख़त्म हो गया तो हो गया, बात ख़त्म हो गई। ये बताना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये बाइनरी बनाई गई है। ये बाइनरी इसलिए बनाई गई है कि इस बाइनरी के तहत जो है सवाल को उजागर नहीं करना है, सवाल को डाइवर्ट कर देना है, सवाल को छुपा देना है। जैसे ये जैसे प्रश्न पूछे ना कि क्या है कांग्रेस और बीजेपी के इकोनॉमिक पॉलिसी में डिफरेंस, बीजेपी या कांग्रेस इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड ही नहीं कर रही है। इकोनॉमिक पॉलिसी इस देश का कॉरपोरेट बना रहा है और उसमें उसको लगता है कि कांग्रेस ठीक है, सुटेबल है, अभी हमको इसके टाइप का पॉलिटिकल फोर्स चाहिए, तो उसको प्रमोट करता है और लगता है कि नहीं नहीं ये अब ठीक से काम नहीं कर रहा, चलो घोरा बदलो, तो दूसरा ले आता है। हमको लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को इकोनॉमिक पॉलिसी बना रही है, बात समझ रहे? ये जो बाइनरी है आज के समय में यूथ को लेकर के, वो बाइनरी सही नहीं है। एक तरफ इन्फॉर्मेशन है, दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन जो है बहुत छोटा है, खुद कम लोगों को पता है। मिस इन्फॉर्मेशन जो है बहुत बड़ा है और इन्फॉर्मेटिव टूल्स इतने एडवांस हो गए हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट बड़ा है। सिंपल सिंपल बात आप पूछेंगे, लोगों को नहीं पता है। सिंपल सिंपल साधारण साधारण बात आप पता करें लोगों के बारे में, आपको पता चलेगा कि लोग बेसिक चीज़ नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा लेफ्ट और राइट, तो मैं आपसे ही अगर पलट करके ये सवाल पूछ दूँ कि लेफ्ट के कितने स्ट्रीम हैं इंडिया में, आप नहीं बता पाए, मैं गारंटी करता हूँ। जबकि आप पॉलिटिकली इतना अवेयर आदमी, आप नहीं बता पाएंगे कि लेफ्ट के कितने स्ट्रीम हैं इंडिया में, क्योंकि जनरलाइजेशन है ना। किसी को भी नक्सली बोल दो, किसी को भी माओवादी बोल दो, क्योंकि ये जनरलाइजेशन करना उनके फायदे में है, उनके हक में है, हैं? किसी को भी एंटी नेशनल बोल दो, किसी को भी टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोल दो। तो असल ये लड़ाई जो है वो इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की लड़ाई है, जिसका शिकार जो है वो यूथ है। छोटा सेक्शन जो है वो इन्फॉर्मेटिव है, बड़ा सेक्शन जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार है। जबकि हाथ में एंड्रॉयड है और गूगल है, नहीं हर चीज़ वेरीफाई किया जा सकता है, तब ये हालत है। इस बाइनरी में मत फंसिए। एक्चुअली बाइनरी जो है ना वो लेफ्ट राइट की नहीं है, बाइनरी जो है वो सही और गलत की है। बाइनरी न्याय और अन्याय का है, बाइनरी लोकतंत्र और तानाशाह का है। बाइनरी जब हम कहते हैं भारतीयता, ठीक है ना, तो भारतीय होने का क्या मतलब है? बाइनरी डाइवर्सिटी और एकात्मकता के नाम पे जो है जो हमारे ऊपर तानाशाही थोपी जा रही है उसके बीच में है। लेफ्ट इसलिए बोल देता है कि लेफ्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग है कि बहुत इजीली जो है उसको डाइल्यूट किया जा सकता है। अभी 2014 से लेकर 19 तक का जो मोदी का पहला टर्म गवर्नमेंट रहा, उसमें बहुत सारे उनके खामियां रहे जिसके खिलाफ विपक्ष, कांग्रेस हो या सभी दल, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी किए थे। फिर भी जो है 2019 में फिर बहुमत से आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि एनाडॉट्स में वो बात करते हैं ना, मोदी जी जो बात करते हैं वो एनाडॉट्स में बात करते हैं, ठीक है ना। क्या आप लूटने वालों को वोट देंगे? तो बात यह है कि विपक्ष जो क्वेश्चन पोज करता है, ठीक है ना, पलट करके वो उससे बड़ा क्वेश्चन जो है विपक्ष पे पोज कर देते हैं, जिसका जवाब विपक्ष नहीं दे पाता है। मसलन राजनाथ सिंह जी का बेटा विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, जो उनको मन है बनाना वो बना दे। अमित शाह का बेटा जो है नोटबंदी के बाद भी जो है करोड़ों रुपया कमाए, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार पे कांग्रेस कैसे बोल पाएगी, समझ रहे हैं?
ये क्राइसिस है, असल क्राइसिस जो इस देश में अपोजिशन अभी फेस कर रहा है वो है लैक ऑफ नेशनल नैरेटिव, लैक ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और लैक ऑफ नेशनल फेस। ये मत समझिए कि जो है मोदी जी बहुत काबिल प्लेयर हैं, असल बात है कि वो अकेले फुटबॉल के मैदान में दौड़ रहे हैं, मन करता है इधर गोल करते हैं, मन करता है उधर गोल करते हैं, कोई गोल की ही खड़ा नहीं है वहाँ पे। इसको ऐसे समझिए, कौन चेक करेगा उसको? चेक करने के लिए कोई हो तब ना, कोई काउंटर में है जो एना डॉट्स में बात करे, और जो एना डॉट्स में बात करने की कैपेबिलिटी रखते हैं उस उनकी हत्या हो जाती है। गौरी लंकेश, आप सोचिए, गौरी लंकेश अपोजिशन थी क्या? पार्टी थी? कोई ऑर्गेनाइजेशन थी? चुनाव लड़ रही थी कहीं से? क्यों मर्डर हो गया? सोचें कभी इस बात को, क्योंकि इनके एना डॉट्स को वो ब्रेक कर देती हैं। क्यों हमारा विरोध करने के लिए आता है बताइए? हम मंत्री हैं, कौन सा सरकार हम चला रहे हैं, क्यों हमारा बात नहीं सुनना है? जवाब दे दो, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो काट दो, मानहानि का मुकदमा कर दो, ऐसे ही 19-20 मुकदमा है, 4-5 और कर दो। क्यों? क्योंकि हम इनके एना डॉट्स को ब्रेक कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके एना डॉट्स को ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन अभी भी उस एना डॉट्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ना करता है। जैसे इन्होंने सवाल किया ना लेफ्ट और राइट, हमने उसको ब्रेक किया कि नहीं? लेफ्ट राइट का सवाल ही नहीं है। रियल कल्प्रिट कहाँ पकड़ा जाता है? रियल कल्प्रिट नाथुराम गोडसे थोड़ी था। रियल कल्प्रिट का तो जो है फोटो ये पार्लियामेंट में लगा दिए, रियल कल्प्रिट को तो ये वीर बता दिए, उसको तो कोई सिखाया होगा ना, वो पकड़ा गया क्या? मुकदमा चला उसके ऊपर, वो गया जेल क्या? और आज उसके बारे में आप उल्टा कह दीजिए तो हो सकता है कि आपकी लिंचिंग हो जाए रोड पर। रियल कल्प्रिट नहीं पकड़े जाते, उसमें भी जो होगा ना, और मैं ये बात बड़ी बहुत बहुत सचेत अवस्था में ये बात बोल रहा हूँ, भावुक होकर ये बात नहीं बोल रहा हूँ, उसमें भी जो लोअर लेवल के जो ऑपरेटिव्स हैं ना वो पकड़े जाएंगे। संभावना तो ये है कि अब चूंकि सरकार बदल गई है, हालांकि कर्नाटका पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार बदल गई है, मुझे तो डाउट है कि लोअर लेवल ऑपरेटिव्स भी नहीं पकड़े जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा हम लोगों को करना चाहिए, लेकिन जस्टिस जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। और रियल जस्टिस हमको लगता है कि वो ये है कि गौरी जिन मूल्यों को लेकर के लड़ रही थी उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस काम को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट। और अभी अपने मॉब लिंचिंग का एक वर्ड इस्तेमाल किया है, अभी देश में ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं सर, मॉब लिंचिंग के और जो क्रिमिनल क्लैशेस है, तो इसमें युवाओं को ज़्यादा बढ़ता के जो खेल खेला जा रहा है। देखिए पहली बात तो इसको सिर्फ भाजपा से जोड़ के मत देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बात बोलता हूँ, अभी मॉब लिंचिंग का जो पूरा डिस्कोर्स है ना उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुआ है इस पे लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब इंसान अपनी आइडेंटिटी जो उसके सिटीजन होने की आइडेंटिटी है उसको छोड़ देता है तब वो भीड़ हो जाता है, या सिस्टम से हमको कोई जस्टिस मिलने की उम्मीद नहीं है तो जो है सिस्टम हम अपने हाथ में ले लेंगे, इस तरह की मेंटेलिटी जब बनाई जाती है। और आप देखेंगे कि ये अभी शुरू नहीं हुआ है, आप 10-15 साल पुराना फिल्म उठा करके देखिए, हीरो जो है उस सिस्टम को नहीं मानता है, हीरो क्या करता है रोड पे न्याय देता है, ठीक है, और वो जब न्याय दे रहा होता है तो पब्लिक पहले बहुत डरी हुई होती है,
बाद में हीरो के साहस से पब्लिक को भी साहस आता है, फिर वो रोड पे न्याय देते हैं। धीरे 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 ये मॉब मेंटालिटी इस देश में तैयार की गई है। जब ये सरकार आई तो इस सरकार ने उस मॉब मेंटालिटी को जो फैलाने वाले लोग थे उसको एक पॉलिटिकल पोजीशन दे दिया। जैसे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार मुसलमान नहीं है, दलित भी नहीं है, हो गई ना हत्या उनकी, और अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो गौ मांस के नाम पे हत्या नहीं हो रही है, अभी सबसे ज़्यादा हत्या बच्चा चोरी के नाम पर महिलाओं की हो रही है। आर्टिस्टों की हत्या हुई है, थिएटर करने के लिए ग्रुप गया उसको मॉब लिंच कर दिया। अपने से इनडिफरेंट कोई भी अगर दिख रहा है ना तो उस पर जो है मॉब मेंटेलिटी अटैक कर दे रही है। और ये जब आइडिया ऑफ सिटीजनशिप ब्रेक होता है, ब्लर होता है, तब ये मॉब मेंटेलिटी बढ़ती है। जब हमको भरोसा है कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के सिस्टम से हमको न्याय मिलेगा, तब हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। जब हमको लगता है कि हम ही भारत हैं, हम ही कानून हैं और हम ही न्याय देंगे रोड पर, तब ये मॉब मेंटेलिटी बढ़ती है। इसको थोड़ा लार्जर फ्रेमवर्क में समझने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये नैरेटिव लोगों के सामने थ्रो किया, लोग भी एक लेवल तक उसके ट्रैप में फंस गए। और जब दूसरे रिजल्ट्स आने शुरू हुए तब लोगों का इसका जो है एक हिस्टोरिकल रूट पता चल पाया। मैं कह रहा हूँ आप 20 साल पुराना फिल्म उठा करके देखिए, हीरो कौन है और वो क्या कर रहा है। हीरो वो नहीं है जो कानून का चक्कर लगा करके रोज़ तारीख पे तारीख लड़ करके केस जीतता है, बहुत कम सिनेमा है। हीरो कौन है? तारीख पे तारीख नहीं होगा, यही न्याय होगा, वो हीरो है। ये मॉब मेंटेलिटी तैयार की गई है और इस मॉब मेंटेलिटी को तैयार करने के पीछे यही उद्देश्य है कि आप अगर मान लीजिए मुसलमान हैं, मैं मान लीजिए हिंदू हूँ, तो आप मुसलमान और हम हिंदू हैं, लेकिन हकीकत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में, हम दोनों सिटीजन हैं। तो ये सिटीजनशिप का आइडिया ब्रेक हो जाएगा तभी ना मेरा आपको मार देना या आपको हमको मार देना जस्टिफाइड होगा। इसीलिए मॉब लिंचिंग के डिस्कोर्स में इसके फ्रेमवर्क को और ज़्यादा ब्रॉड करके समझने की ज़रूरत है। मेरा एक आखिरी सवाल, हम लोग सब जानते हैं आपका पॉलिटिकल लाइफ कैसे रहा है, तो आपका पर्सनल लाइफ का क्या प्लानिंग है, आपको शेयर करना चाहिए तो? नाउ पर्सनल इज पॉलिटिकल। हम लोग जो है अब जीवन की इस अवस्था में हैं कि पर्सनल और पॉलिटिकल अलग अलग नहीं है, वो दोनों अब एक ही है। हालांकि मैं इस मत का हूँ कि अलग रखने की कोशिश करना चाहिए। मान लीजिए कि किसी से पॉलिटिकल डिफरेंसेज भी है तब भी उससे जो है एक पर्सनल और सोशल रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, लेकिन जब सोसाइटी बहुत पोलराइज्ड हो जाती है, जो कि लगातार हो रही है, तब ये मुश्किल हो जाता है। आप देखते होंगे कि आपके स्कूल के बहुत सारे दोस्तों ने आपको फेसबुक पर अनफ्रेंड कर दिया होगा और बहुत सारे सोशल ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप से आपको बाहर कर दिया गया होगा, ये सब हो रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि ये ना हो, लेकिन ये कोशिश भी तो एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा ना, इसलिए मेरी अवस्था में पर्सनल पॉलिटिकल अब एक ही हो गया है। मोस्टली क्वेश्चन इज अबाउट योर पर्सनल फ्यूचर, पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ अब क्या होगा, जो जो पॉलिटिकल लाइफ है वही पर्सनल लाइफ भी है। इससे अलग क्या पर्सनल लाइफ होगा, अब तो वही है। तो एक कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। इसी सिद्धांत पे जो है व्यक्तिगत जीवन भी चल रहा है।